बिलासपुर ज़िले के तखतपुर विकास खंड के मेड़पार गांव की घटना और उस बड़ी घटना में जो जानकारी आई है 50 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है और ये सारी गाय जो गांव में रोका छेका योजना के तहत अस्थाई गौठान जो पुराना पंचायत भवन है वहाँ लाया गया था और वहाँ इतनी अव्यवस्था है, वहाँ की व्यवस्था की उसका नमूना है कि 50 गाय मरी है, वहाँ न भूसा है, न पैरा है, न किसी प्रकार का चारा है, न पानी की व्यवस्था है। और जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहाँ जो मौत हुई है उस मौत का कारण सफोकेशन भी है, यानी खुला ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाया उनको और दम घुटने से मौत हुई। गर्भवती गायों की मौत हुई है, स्वस्थ गाय की मौत हुई है, जो गौपालक जो गाय पालते हैं उनको रोका छोका छेका योजना के तहत उनको ले जाया गया और उस पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। प्रदेश में भी सारे गौठान इनके जितने बनाए हैं 25-25 लाख लगा के उसके छत शेड गिर चुके हैं, जो इन्होंने अस्थाई रूप से शेड बनाए थे बाउंड्री वॉल ध्वस्त हो चुका है, पानी भरा हुआ है, वहाँ बैठने की जगह भी नहीं है और रोका छोका छेका करके सब गाय को पकड़ के वहाँ ले जाते हैं, रात भर भूखे प्यासे रहते हैं। ये 50 गाय की मौत जिस प्रकार से हुई है, निश्चित रूप से इस पर प्रशासन को सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और एक प्रकार से नेग्लिजेंसी जो हुई है, गौ हत्या का अपराध एक छोटा मोटा अपराध नहीं होता। गौ माता हम सब के लिए आराध्य है, आज इस शुभ दिन में नागपंचमी के अवसर में ऐसा समाचार मिलता है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, मगर मुझे लगता है कि सरकार सचेत हो जाए। ये सब योजनाएं कागज में चल रही है, कागज की योजनाओं को धरातल में लाओ। आपने अपने जितने भी नेता हैं पंचायत स्तर के सबको गौठान समिति में डाल दिया, उनका प्रशिक्षण नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में सारे गौठान समिति का प्रशिक्षण होना चाहिए और प्रशिक्षण ही नहीं होना चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक फंड होना चाहिए, पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, वहाँ पे चारे की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे रात और दिन रहने वाला चौकीदार यानी राउत की ड्यूटी लगाते हैं तो वो रहे दिन में और रात में, उनके लिए पानी की व्यवस्था के लिए नलकूप वहाँ पे होना चाहिए, उनको शेड में रहने के लिए पानी गिर रहा है उसमें एक अस्थाई शेड बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बिना ये रोका छेका बंद करिए कम से कम, कृपा करके, नहीं तो ना जाने कितने हजारों गाय की मौत होगी। गौठान की व्यवस्था पूरी तरीके से प्रदेश में ध्वस्त हो गई है, नरवा गरवा घुरवा बारी कागज़ में बहुत अच्छा दिख रहा है पर धरातल पर नहीं। आज वहाँ के पशुपालक गए थे, वहाँ पे नारे लगा रहे थे, मांग किया, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो गाय पालक हैं जिनके जानवरों की मौत हुई है उनको सरकार मुआवजा दे और इस बात को भी चिन्हांकित करे जांच करके इसमें दोषी कौन है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसमें जवाबदाही दी जानी चाहिए। तब तक ये व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी, सिर्फ और सिर्फ गांव के पंचायत के भरोसे एक खुले जगह में आपने गौठान बना दिया, ये व्यवस्था का यही असर होगा। तो मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि प्रशासन अब सचेत हो जाए, जाग जाए। हम लोग बार बार इस बात को बताते रहे, बोलते रहे, मगर सरकार इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है और आज एक बड़ी घटना हो गई है।